किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करते हैं, पहले यूजीसी पर उस यूनिवर्सिटी को चेक कीजिए। मोनार्ड यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि जैसा आप पूछते हैं कि सर मोनार्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया हो, ऐसी बहुत सारे सवाल जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर होते हैं, कैसे आप चेक करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए कि कहां यूजीसी पर यूनिवर्सिटी स्टैंड करती है, आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। दोस्तों, आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, चार ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों, PhD एक ऐसा कोर्स है या फिर कहें कि ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें एजुकेशन लेने के बाद आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो जाते हैं, मतलब कि डॉक्टरेट हासिल कर लेते हैं आप उस कोर्स में, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपनी PhD करते हैं। PhD की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करने के लिए वैसे तो मास्टर्स में 55% मिनिमम आपके होने ही चाहिए, तभी आप PhD कर पाएंगे। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारे हिंदुस्तान में हैं जो PhD में एडमिशन करवाती हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो UGC रिकॉग्नाइज हैं, वो सभी यूनिवर्सिटी PhD में एडमिशन ले सकती हैं। बहुत सारी अपने देश में यूनिवर्सिटीज हैं। PhD करने के लिए हालांकि कई सारे जो डाउट्स आपके दिल में होते हैं, जैसे कि PhD के लिए कितनी फीस देनी पड़ सकती है, PhD की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, इन सभी पर हमने बहुत बार आपको जवाब दिया है, बहुत बार आपके डाउट्स को क्लियर किया है अलग अलग वीडियोज के माध्यम से, जो हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के PhD के एंट्रेंस को लेकर वीडियोज बनाए हैं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनार्ड यूनिवर्सिटी की, जो PhD का एंट्रेंस कराने वाली है मार्च में, अभी 2023 के मार्च में अभी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस कराने वाली है PhD का। आप चाहो तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्या कहती है मोनार्ड यूनिवर्सिटी, फीस क्या है, किस तरह से आप एडमिशन ले पाएंगे, किन किन डिसिप्लिन में यूनिवर्सिटी PhD में एडमिशन करा सकती है, इन सभी पर आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए PhD के बारे में मोनार्ड यूनिवर्सिटी से दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हमने जितनी भी वीडियोस बनाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अलग अलग स्टेट की यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया, PhD कैसे वो यूनिवर्सिटी करवाती है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोस्तों कहीं से भी चाहे आप एडमिशन लीजिए, उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको चेक कर लेना चाहिए कि UGC का कोई स्पेशल कमेंट तो नहीं, या फिर UGC पर यूनिवर्सिटी को आप कहां चेक कर पाएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करते हैं, पहले UGC पर उस यूनिवर्सिटी को चेक कीजिए। मोनार्ड यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि जैसा आप पूछते हैं कि सर मोनार्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया हो, ऐसी बहुत सारे सवाल जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर होते हैं, कैसे आप चेक करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए कि कहां यूजीसी पर यूनिवर्सिटी स्टैंड करती है, आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे ही आप ये वेबसाइट मेंशन करेंगे, इंटरफेस खुलकर आएगा सामने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर जो टैब्स बने हैं, उन्हीं टैब्स में आपको एक टैब मिलेगा यूनिवर्सिटीज का। यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि मोनार्ड यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और दिल्ली से सिर्फ आधे पौने घंटे की दूरी पर ही है ये। अगर आप दिल्ली से चलना स्टार्ट करेंगे अपनी गाड़ी से, अपने कन्वेंस से आप अगर जा रहे हैं, तो मैक्सिमम एक घंटे में आप यूनिवर्सिटी पहुंच भी जाएंगे। बहुत पास है दिल्ली के, दिल्ली NCR से बहुत पास पड़ती है यूनिवर्सिटी। अब जैसे ही स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो वहां सभी स्टेट्स के नाम खुलकर आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में जाकर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, सभी आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। टोटल देखा जाए तो 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और जो मोनार्ड यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो है 21वें नंबर पर। ये कोई रैंकिंग नहीं है, अल्फाबेटिकली जहां पर इसका नाम आया उसके हिसाब से डला हुआ है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी लिखी हुई है यहां पर। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.monard.edu.in। अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन इसी वेबसाइट पर जाकर करते हैं, तो मेरा मानना है आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जेन्युइनली जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो यही है, www.monard.edu.in।
और साथ में ही यूनिवर्सिटी आप आगे देखते हैं इसके अंदर, तो यूनिवर्सिटी को जो अप्रूवल मिला जब यूनिवर्सिटी बनी, ये बनी है 2010 में। यूनिवर्सिटी 12 अक्टूबर 2010 से यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, और ऐसा कोई बैड कमेंट यहाँ पर मोनार्ड यूनिवर्सिटी के बारे में यूजीसी का नहीं है कि आप एडमिशन इसमें ना लें। यहीं पर मोर डिटेल्स में भी आप जाएंगे तो यहाँ पर वाइस चांसलर की डिटेल और रजिस्ट्रार साहब की डिटेल भी डली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी किन किन डिसिप्लिन में किन किन सब्जेक्ट्स में पीएचडी करवाती है, क्योंकि एडमिशन तो आप ले सकते हो, यूजीसी रिकॉग्नाइज है यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आप एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी की फीस भी अगर हम बात करें तो फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है, हालांकि यूनिवर्सिटीज की हमने फीस 4 लाख 5 लाख तक देखी है, 3 साल का जो प्रोग्राम होता है मिनिमम पीएचडी के लिए। इस यूनिवर्सिटी की फीस भी देखा जाए तो लगभग 3 लाख के आसपास ही आपको पड़ेगी अगर आप 3 साल की जो पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। हर साल 1 लाख रुपए आपको देना पड़ सकता है, या फिर मान लीजिए 90,000 पर ईयर अगर फीस है भी तो इवेल्युएशन टाइम पर ये 25 से 30 हज़ार रुपए लेंगे तो वही फीस पड़ेगी लगभग 3 लाख रुपए। यूनिवर्सिटी किन किन डिसिप्लिन्स में एडमिशन लेती है उससे पहले आप ये भी जान लीजिए, जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मिलता है तो यूनिवर्सिटी को बाय डिफॉल्ट पीएचडी कराने का भी अप्रूवल मिल जाता है। यूनिवर्सिटीज पीएचडी में एडमिशन ले सकती हैं, जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, यूजी पीजी होते हैं, साथ में रिसर्च जो होता है, इन सब में यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है। किन किन डिसिप्लिन्स में किन किन सब्जेक्ट्स में पीएचडी करवाई जाती है इस यूनिवर्सिटी से, कुछ मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो आप यूनिवर्सिटी से कन्फर्म करें। यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नंबर है जो यूनिवर्सिटी का पीएचडी के लिए, वो भी यहीं पर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा देखने से, साथ में जो हमारा दिया गया नंबर है उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर मोनार्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप करें, या फिर जो यूनिवर्सिटी का नंबर दिया है इसके अंदर हमने, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी करवाती है पीएचडी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री, पीएचडी इन बॉटनी, पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं इंजीनियरिंग से उन सभी में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी इन कॉमर्स यूनिवर्सिटी करवाती है, साथ में यूनिवर्सिटी जो एडमिशन लेती है वो है पीएचडी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन एजुकेशन, पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी इन इंग्लिश, पीएचडी इन फाइन आर्ट, पीएचडी इन लॉ, पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस, पीएचडी इन लाइफ साइंस, पीएचडी इन मैनेजमेंट, पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी इन फार्मेसी, पीएचडी इन फिलॉसफी, पीएचडी इन फिजिक्स एंड पीएचडी इन जूलॉजी, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी काफी सारे डिसिप्लिन्स हैं जिनके अंदर पीएचडी आप कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से, बट यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल दोस्तों सभी है पीएचडी करवाने के लिए। आप पीएचडी में एडमिशन ले भी सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन की जो इनकी रजिस्ट्रेशन फीस है 1500 या 2000 रुपए ही है, उससे ज्यादा फीस नहीं है इनकी। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, साथ में जब आपका एंट्रेंस होगा उसे ऑनलाइन कंडक्ट करें या ऑफलाइन कंडक्ट करें, दोनों ही तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, रेगुलर पीएचडी भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। आप कोई भी सपोर्ट चाहते हैं हमारी सपोर्ट आप एडमिशन में बिल्कुल ले सकते हैं, मोनार्ड यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अगर सपोर्ट चाहते हैं आप हमारी सपोर्ट ले सकते हैं। मोनार्ड यूनिवर्सिटी से दिए गए नंबर पर आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंट के साथ, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा, तो मैं फिर आपको कहूंगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, साथ में ही तरीके से मतलब जो यूनिवर्सिटी को ही पेमेंट करें, और सिस्टम को प्रॉपरली अगर आप चलाएंगे तो मेरा मानना है आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर सिस्टम को ब्रेक करते हैं तो प्रॉब्लम आपके साथ जरूर हो सकती है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं आपके दिल में मोनार्ड यूनिवर्सिटी को लेकर, या फिर पीएचडी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप सवाल पूछना, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी हर तरह के अपडेट से अपडेट रख सके अपने आप को जो कुछ चलते हैं एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।